Hello, welcome to beinggourav.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called application of t-test. तो ये application of t-test का हमारा second video है. इसमें हम पढ़ेंगे two test significance of difference between mean of two sample जब दो sample कैसे रहेंगे हमारे independent रहेंगे. तो पहले video में हमने क्या देखा था इसके पहले वाले में कि two test significance of mean of random sample. इसमें हम देखेंगे दो independent sample का mean difference अगर हमें significance check करना तो कैसे करेंगे. तो इसके लिए हम समझते पहले तो दोनों सैंपल t-test कब लगाते हैं जब सैंपल साइज क्या होगा 30 से छोटा होगा. तो यहां पे जो दो सैंपल रहेंगे दोनों सैंपल के साइज क्या होना चाहिए 30 से छोटे होना चाहिए. तो देखिए इसमें हम बात कैसे करते हैं. सपोज कीजिए हमारे पास अगर दो डिफरेंट पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन 1 हो गई ये क्या हो गई हमारे पास पॉपुलेशन 2 हो गई. ठीक है पॉपुलेशन 1 में से हमने एक सैंपल लिया जिसको मैंने नाम दे दिया सैंपल 1 और जिसका मीन क्या था x बार 1 था. पॉपुलेशन 2 में से मैंने एक सैंपल लिया उसको मैंने सैंपल 2 नाम दे दिया इसका मीन कितना था x बार 2 था. ठीक है इस सैंपल का साइज कितना था n1 सेकंड सैंपल का साइज कितना था n2 था. ठीक है फिर जो पॉपुलेशन 1 था उसका मीन कितना मान लिया μ1 मान लिया और पॉपुलेशन 2 का मीन कितना मान लिया μ2 मान लिया. अब हम क्या जानने में इंटरेस्टेड है कि क्या दोनों सैंपल का जो मीन है ना जो एवरेज है वो क्या है इक्वल है कि नहीं है. मतलब दोनों सैंपल का जो एवरेज है क्या वो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है या नहीं कर रहा या दोनों पॉपुलेशन का जो मीन है वो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है ये हम जानने में इंटरेस्टेड हैं. तो जितने अजम्पशन हमने टी टेस्ट में पढ़े हैं वीडियो नंबर 1 2 में वही अजम्पशन ये एप्लीकेबल रहेंगे. सबसे पहला अजम्पशन सैंपल साइज क्या होना चाहिए हमारा स्मॉल होना चाहिए मतलब दोनों सैंपल की साइज 30 से कम होना चाहिए पहला. दूसरा जिस पॉपुलेशन में से हम सैंपल को सिलेक्ट करेंगे वो क्या होना चाहिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. ठीक है और सैंपल क्या होना चाहिए रैंडम होना चाहिए. ये चीज तो क्लियर है. अब इस एप्लीकेशन में अजम्पशन और एक्स्ट्रा आता है वो क्या आता है कि जो सैंपल पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 का जो वेरिएंस रहेगा ठीक है दोनों पॉपुलेशन का जो वेरिएंस रहेगा वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए. ठीक है मतलब सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर वो क्या रहना चाहिए सिग्मा के बराबर सिग्मा स्क्वायर के बराबर रहना चाहिए. ठीक है ये नया अजम्पशन है. इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब हम दो इंडिपेंडेंट सैंपल की बात करेंगे टी टेस्ट में क्या होता है बेसिकली कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन रहता है. ठीक है ये होता है हमने देखा है. अब यहां पे क्या मानेंगे हम कि दोनों पॉपुलेशन के जो वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या रहेंगे अननोन रहेंगे बट हम क्या मानने चलेंगे दोनों कैसे इक्वल है फॉर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए. ठीक है तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम क्या मानेंगे दोनों पॉपुलेशन के जो वेरिएंस है वो क्या है इक्वल है. ये हम अजम्पशन एक एक्स्ट्रा बनेगा. ठीक तो जैसे एग्जांपल के लिए इंडिपेंडेंट सैंपल का मतलब क्या होता है जब दोनों सैंपल डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन से लिए गए हो और हमें क्या करना है उन दोनों सैंपल का एवरेज डिफरेंस चेक करना है तो हम क्या लगाएंगे वहां पे टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल जब सैंपल साइज क्या हो 30 से छोटा हो स्मॉल सैंपल हो. ठीक है लार्ज सैंपल में हम जेड टेस्ट लगाते हैं हम देख चुके हैं. तो इसे एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा एक सैंपल लिया सोल्जर्स की हाइट का और एक सैंपल लिया मैंने सेलियर्स की हाइट का मतलब एक सैंपल लिया सोल्जर्स की हाइट का एक सैंपल लिया मैंने सेलियर्स की हाइट का. जरूरी नहीं कि वहां पे n1 n2 बराबर हो सैंपल साइज दोनों में डिफर कर सकती है. अब मैं क्या जानने में इंटरेस्टेड हूं कि क्या सेलियर्स की हाइट एवरेज हाइट सोल्जर की एवरेज हाइट से ज्यादा है या कम है मैं जानने में इंटरेस्टेड हूं. तो वहां पे हम नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे कि सोल्जर्स और सेलियर की जो एवरेज हाइट है मीन हाइट है वो कैसी है इक्वल है हम ये मान के चलेंगे. ठीक है और अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा कि हाइट उनकी बराबर नहीं है या ज्यादा हो सकती है. ठीक है तो इस केस में देखिए हम नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे यहां पे कि दोनों पॉपुलेशन का जो मीन रहेगा या सैंपल का मीन रहेगा μx और μy वो क्या रहेगा यहां पे μx1 और μx2 वो क्या रहेगा यहां पे इक्वल रहेगा. और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या रहेगा यहां पे कि दोनों का जो मीन है वो इक्वल नहीं है. ठीक है दोनों पॉपुलेशन का जो मीन है वो इक्वल नहीं है ये मान लेंगे हम. पे तो जो यहां पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो क्या लगेगा यहां पे टेस्ट स्टैटिस्टिक t इक्वल्स टू दो सैंपल का डिफरेंस निकालना है x1 बार माइनस x2 बार अपॉन में सिग्मा x बार. ठीक है अब मैं दो सैंपल की बात कर रहा हूं तो सिग्मा x बार का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है और हम लगाएंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जब दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल हो. तो उसका फार्मूला क्या होता है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे t इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय होता है ये s अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2. ठीक है
यहाँ पे दोनों सैंपल की साइज क्या रहे? ध्यान रखना आपको 30 से क्या रहेगी यहाँ पे कम रहेगी। ठीक, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं और तो इसको डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे x1 बार माइनस x2 बार अपॉन में s मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, तो n1 का मतलब पहले सैंपल का साइज, n2 का मतलब सेकंड सैंपल का साइज, ठीक है, s का मतलब हुआ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, x bar 1 का मतलब सैंपल मीन फर्स्ट सैंपल का, x bar 2 का मतलब सैंपल मीन सेकंड सैंपल का, ठीक है, और s का मतलब क्या होगा यहां पे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका फॉर्मूला क्या होगा s इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सबमिशन ऑफ ये हो जाएगा x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर प्लस सबमिशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये होगा n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, और यहां पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालेंगे है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू इक्वल्स टू उसका फॉर्मूला क्या होगा n1 प्लस n2 माइनस 2 होगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कैलकुलेटेड टी निकल जाएगा और उसको कंपेयर करेंगे टेबुलेटेड टी से किसी सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम और सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। अगर कैलकुलेटेड टी टेबुलेटेड टी से बड़ा आता है तो हम क्या करते हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और हम क्या बोलेंगे कि दोनों मीन में डिफरेंस क्या है सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, अगर कैलकुलेटेड टी टेबुलेटेड टी से क्या रहेगा छोटा रहेगा तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे और हम क्या बोलेंगे कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंस नहीं है, है ना, दोनों का डिफरेंस कैसा है इक्वल है। ठीक, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन आपको दिया है बिलो आर गिवन द गेन इन वेट ऑन टू डाइट ए एंड बी, दो डिफरेंट डाइट देख रखी है आपको ए और बी और दोनों से कितना गेन इन वेट हुआ वो आपको देख रखा है। तो अपने डाइट ए दिए 12 का सैंपल लिया एक पॉपुलेशन से और डाइट बी के लिए अपने दूसरी पॉपुलेशन से दूसरा सैंपल लिया 15 का सैंपल। ठीक है, और हमें टेस्ट क्या करना है टेस्ट इफ द टू डाइट डिफर सिग्निफिकेंटली एज रिगार्ड देयर इफेक्ट ऑन इंक्रीज इन वेट। तो हमें टेस्ट करना है क्या दोनों डाइट सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही है एज रिगार्ड देयर इफेक्ट ऑन इंक्रीज इन वेट, मतलब क्या दोनों डाइट से जो वेट गेन हो रहा है वेट इंक्रीज हो रहा है वो अलग अलग है, ये हमें टेस्ट करना है। तो हम पहले क्या मान के चलेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन इंक्रीज इन वेट ड्यू टू डाइट ए एंड बी, मतलब डाइट ए और बी से जो एवरेज वेट बढ़ रहा है उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब हमारा जो नल हाइपोथेसिस रहेगा वो क्या रहेगा दोनों डाइट का जो मीन वेट है वो कैसा है इक्वल है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि दोनों डाइट का जो मीन वेट है वो क्या है एक जैसा नहीं है, मतलब टेस्ट किस टाइप का हो गया हमारे पास ये टू टेल टेस्ट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है इसमें टी टेस्ट लगा सकते कि लगा सकते, पहली बात तो ये। तो देखिए हम सैंपल देखें डाइट ए में जो सैंपल दिया उसमें 12 का सैंपल है और डाइट बी में 15 का सैंपल है, मतलब दोनों सैंपल की साइज क्या है 30 से कम है, मतलब एक 12 का सैंपल और एक 15 का सैंपल है दोनों सैंपल की साइज क्या है 30 से कम है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे टी टेस्ट लगाने के पहले हम क्या करेंगे डाइट ए और डाइट बी का मीन निकालेंगे, ये टेबल बनाएंगे स्टेप से। तो अगर हम सैंपल मीन की बात करें डाइट ए की तो x bar 1 ये सैंपल मीन रहेगा फर्स्ट सैंपल का, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका सबमिशन ऑफ x1 डिवाइडेड बाय n1, तो सबमिशन x1 कितना आया 336 और n1 मतलब डाइट ए में कितने सैंपल लिया तो 12 का सैंपल लिया है तो 336 को डिवाइड कर देंगे हम 12 से, तो जब आप 336 को 12 से डिवाइड करेंगे तो सैंपल कितने का आएगा हमारे सॉरी मीन कितना आएगा 28। सिमिलरली जब मैं निकालूंगा x bar 2 तो फॉर्मूला क्या होगा सबमिशन x2 डिवाइडेड बाय n2। ठीक है, तो x bar 2 निकालने के लिए सबमिशन x2 कितना है यहाँ पर टोटल इसका 450 है, तो ये हो जाएगा टोटल 450 और सैंपल कितने का हमारे पास n2 सैंपल 15 का है ना, तो ये n2 हो जाएगा 15 इक्वल्स टू तो ये हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक, तो सैंपल मीन आ गया फर्स्ट और सेकंड सैंपल का 28 और 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे कंबाइंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे x1 माइनस x1 बार x2 माइनस x2 बार और इनका स्क्वायर। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे x1 माइनस x1 बार कितना आया 28 और इसी का हम क्या करेंगे स्क्वायर, सिमिलरली x2 माइनस x2 बार कितना है यहाँ पे 30 फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले 25 माइनस 28 ये होगा माइनस 3, 32 माइनस 28 4, 30 माइनस 28 2, 34 माइनस 28 6, 24 माइनस 28
minus 4, 14 minus 28, minus 14, 32 minus 28, 4, 24 minus 28, minus 4, 30 minus 28, 2, 31 minus 28, 3, 35 minus 28, 7, और 25 minus 28 कितना आएगा? minus 3 आएगा, ठीक है? अब हम इसका square कर लेंगे, तो minus 3 का square 9, 4 का square 16, 2 का square 4, 6 का square 36, minus 4 का square 16, minus 14 का square 196, 4 का square 16, minus 4 का square 16, 2 का square 4, 3 का square 9, 7 का square 49 और 3 का square कितना होगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है? अब हम इसका total करेंगे, तो total करने पे जो value हमें आएगी, वो value आएगी यहाँ पे 380. जब मैंने इसका total किया, तो इसका total कितना आ गया 380. Similarly मैं find करूँगा x2 minus 30 है ना, x2 minus x2 bar. तो x2 bar कितना है 30 आया. तो हम ये minus करके value निकालते हैं. तो 44 minus 30 करेंगे, तो ये आ जाएगा 14. मैं direct लिख रहा हूँ, 34 minus 30 करा 4. ये आ जाएगा minus 8. ये minus 20. ये 17. ये आ जाएगा यहाँ पे 1. ये 40 minus ये 10. ये 0. ये आ जाएगा 2. 5. ये आएगा minus 12. ये आएगा minus 9. फिर ये प्लस का 5, माइनस का 1 और माइनस का 8, ठीक है? ये वैल्यू आ जाएगी कुछ हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे. तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, 4 का स्क्वायर 16, ये पूरा स्क्वायर कर लेते हैं हम, ये होगा 289, 1, 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 1 का 1 और 64, ठीक है? अब जब हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल करने पे जो हमारे पास इसका टोटल आएगा वो कितना आएगा, 1410, ठीक है? ये टोटल आएगा. अब इसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे, हम फाइंड करेंगे यहां पे कंबाइन, हम फाइंड करेंगे कंबाइन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. उसका फार्मूला क्या होता है, s इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s equals to under root of formula होगा summation of x1 minus x1 bar का whole square plus यह आएगा summation of x2 minus x2 bar का whole square divided by n1 plus n2 minus 2, ठीक है? यह formula होगा combined sample standard deviation का. तो अब हम यहाँ पे value put up कर रहे हैं, तो summation of x1 minus x1 bar का whole square यह कितना है यहाँ पे, यह आ गया 380 प्लस x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर, ये कितना आया 1410 डिवाइडेड बाय n1 था 12, n2 था 15 माइनस 2, ठीक. तो जब आप जोड़ोगे दोनों वैल्यूज को और डिवाइड करेंगे, तो जोड़ने पे आएगा यहां पे ये सम आएगा 1790 और ये दोनों जगह 27 डिवाइड बाय 25. तो 1790 को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 71.6 अंडर रूट के अंदर. तो जब हम 71.6 का रूट निकालेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी यहां पे, s आ जाएगा यहां पे 8.46. तो ये आएगा हमारे पास कंबाइंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? अब तो ये फाइंड हो गया हमारे पास. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे यहां पे टेस्ट स्टैटिस्टिक टी का फार्मूला है. तो ये टेबल का कुछ काम नहीं है, तो इस टेबल को मैं यहां से हटा रहा हूं. तो देखिए अब हम निकालेंगे यहां पे टेस्ट स्टैटिस्टिक टी. तो मैंने लगाया टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल, ठीक है? अब यहां पे इंडिपेंडेंट सैंपल क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों सैंपल की साइज डिफरेंट थी, आप ऐसे पहचान सकते हो. और ये भी बोल सकते हैं कि दोनों सैंपल को अपन दो अलग-अलग टाइप दिए, ठीक. तो यहां पे टी टेस्ट का फार्मूला क्या होगा, टी इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन में s मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. तो ये सारी वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो वैल्यू पुट अप करते हैं हम. तो टी इक्वल्स टू x1 बार कितना था सामने लिखा हुआ है 28, x2 बार कितना है 30, s कितना है हम देखें तो s है 8.46 मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ. अब n1 कितना हम देखें तो n1 था सैंपल साइज 12 था n1 और n2 था 15, सिमिलरली n1 था 12 और n2 सैंपल साइज था 15, ठीक है? अब यहां पे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, जब 28 माइनस 30 करूंगा तो मैं पहले इसको क्या कर रहा हूं, मॉड t के फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है? तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ t, क्योंकि t
जो कर्व रहता है वो सिमेट्रिक रहता है, ये पहले वीडियो में हमने बताया था, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 28-30 मॉडुलस के अंदर 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8.46, ठीक है। तो जब मैं 12 × 15 करूंगा तो हो जाएगा 180 और डिवाइड किससे होगा यहाँ पे 27 से। तो जब मैं 2 डिवाइडेड बाय 8.46 मल्टीप्लाई में 180 को डिवाइड किया 27 से, उसका रूट निकाला वैल्यू का, तो कितना आएगा 2.58 आएगा। तो मॉडुलस ऑफ टी सॉल्व करने पे है ना, 2 का इनटू करना 2.58 में और डिवाइड करना 8.46 है, तो ये वैल्यू आएगी 0.61, ठीक है। ये हमारी कैलकुलेटर टी आ गया। अब मैं निकालूंगा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम बोलते हैं न्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है इंडिपेंडेंट में n1 प्लस n2 माइनस 2। तो n1 कितना है अगर हम देखें तो n1 था 12, n2 था 15 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब मुझे डिसीजन लेना है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कैलकुलेटेड टी आया 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे 5% लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फा वो हम कितना लेके चल रहे हैं यहाँ पे 5% लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे और 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टी की कैलकुलेट होगी कितनी आ गई 0.61 आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे टी की टेबुलेटेड या क्रिटिकल वैल्यू। तो देखिए जो टेबुलेटेड टी है, टेबुलेटेड टी कितने डिग्री पे एट 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम और कितने लेवल पे एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब अल्फा कितना रहेगा 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 25 रहेगा। एंड फॉर कौन से टेस्ट के लिए, एंड फॉर टू टेल्ड टेस्ट, ठीक है, टू टेल्ड टेस्ट के लिए। तो टी की वैल्यू कितनी रहेगी यहां पे, टी इक्वल्स टू ये जो वैल्यू है ये आएगी आपकी 2.06, ठीक है 2.06, ठीक। अब हम क्या करेंगे जो टी की टेबुलेटेड वैल्यू उसको टी की टेबल वैल्यू से कंपेयर करेंगे और डिसीजन लेंगे। तो देखिए डिसीजन लेने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे, जो कैलकुलेटेड टी है, कैलकुलेटेड मोड टी है उसको टेबुलेटेड टी से कंपेयर करेंगे, है ना, टेबुलेटेड टी से कंपेयर करेंगे, है ना, कितने पे 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 5% लेवल पे। तो मैं देखूं कैलकुलेटेड टी कितना है 0.61 और टेबुलेटेड टी कितना है 2.06। तो यहां पे क्या हो रहा है टेबुलेटेड टी, या हम बोल सकते हैं कैलकुलेटेड टी टेबुलेटेड टी से छोटा आ रहा है। इसका मतलब जो हमारी नल हाइपोथेसिस एच नॉट है वो क्या हो जाएगी यहां पे एक्सेप्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये जो हमने अजम्पशन बनाया था ये एक्सेप्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है किसमें, मीन इंक्रीज इन वेट ड्यू टू डाइट ए एंड बी, है ना, डाइट ए और बी के इंक्रीज इन वेट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों डाइट से एक जैसा वेट गेन हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसको अगर आप डायग्राम के फॉर्म में देखें, क्योंकि जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने टेबल की लिंक दी है वो लिंक है एरिया ऑफ टी टेस्ट ऑन बोथ टेल कंबाइंड, है ना, वो देकर रखा है। तो उसी से आपको मैंने वन टेल टेस्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी बताइए, तो वो आप टेबल जरूर डाउनलोड करें और इसके लिए हमारा वीडियो नंबर 1 देखना ना भूले जिसमें हमने यह सारी चीजें क्लियरली बताई है। अच्छा यहाँ पर देखिए उसको डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं, तो टू टेल टेस्ट है तो सिमेट्रिक अबाउट मीन होता है और अल्फा कितना है यहाँ पे 0.05, ठीक है। तो आधा आधा एरिया दोनों टेल पे रहेगा रिजेक्शन रीजन, तो ये एरिया हो जाएगा 0.05 और ये एरिया भी कितना होगा 0.025 और ये भी कितना होगा 0.025, ठीक है। अब जो रिमेनिंग रीजन है 95%, ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पे टी की वैल्यू कितनी है 2.06 और इस क्रिटिकल पॉइंट पे टी की वैल्यू कितनी है -2.06। सिमेट्रिक अबाउट जीरो रहता है, सिमेट्रिक अबाउट मीन रहता है टी टेस्ट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है 0.61 आ रही है, तो हम देखें 0.61 जो वैल्यू आ रही है ठीक वो क्या है 2.06 से छोटी है, मतलब जो 0.61 है वो इस साइड आ रहा है एक्सेप्टेंस जोन में आ रहा है। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको स्टेप से भी बता सकते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।